जनपद रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में गुप्तकाशी के पास बीती 25 अप्रैल को हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और पुलिस टीम ने 4 दिनों के अंदर आरोपी को भी पकड़ लिया है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को देवर गांव की रहने वाली महिला जंगल में घास लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, जहां महिला जंगल में मृत अवस्था में पाई गई, जिसके चलते मृतक महिला के भाई पर राकेश सिंह रावत द्वारा थाना गुप्तकाशी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके तहत ही एसपी डॉक्टर विशाखा भंडारे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने काफी मशक्कत करते हुए आरोपी महावीर को विद्यापीठ की ओर से जाने वाले पैदल मार्ग पर गिरफ्तार कर लिया गया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। इसमें हमने पाया कि जो महिला थी उसके ऊपर काफी वार किए हुए थे, इसलिए ये हमें संदिग्ध लगा और इसमें हमने जांच पड़ताल जो है वो शुरू की थी। जब ये जांच पड़ताल शुरू की तो हमारे जो सूत्रों द्वारा बताया गया कि एक कोई महावीर नाम का व्यक्ति जो है उसको उसकी इसमें संदिग्धता है, तो उस पर हमने जब काम करना स्टार्ट किया तो उस व्यक्ति ने अपने घटनाक्रम का जो है हमें खुलासा भी किया है और साथ साथ उसने जिस हथियार से उसका महिला पे वार किए थे जो पत्थर है उसको भी उसने उसकी भी बरामद की हुई है और साथ साथ उसके जो कपड़े थे जिस पे ये खून के दाग थे वो भी पुलिस ने बरामद।